हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बहुत गर्मी थी और मैं सोच रही थी कि आज सारे प्लांटर को जो बालकनी में मैंने हैंग करके रखा है, सारे प्लांटर को मैं अच्छे से पानी दूंगी। रोज़ मैं पानी देती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार एक बकेट लेके और एक एक प्लांटर को फिर बकेट के अंदर डुबोकर अच्छे से पानी देती हूँ। तो मैं इस तरह से करती हूँ और लीव्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो मैंने ये इस तरह से मैंने किया है और कुछ देर इस तरह से एक एक प्लांटर को बकेट के अंदर डुबोकर फिर नीचे रखती हूँ और अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है पानी, उसके बाद हैंग कर देती हूँ। तो मैंने ये काम कर दिया है। तो फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई और मुझको बहुत अच्छा लगा कि बारिश शुरू हो गई। और यहाँ पर मेरे और भी कुछ हैंगिंग प्लांटर थे जो मैंने पोर्चुलका के प्लांट्स को रखा था, कटिंग्स मतलब मैंने ग्रो किया, तो वो सारे प्लांटर को मैंने टेरेस के ऊपर रखा है। वो सारे प्लांट्स को भी अच्छा हुआ कि बारिश का पानी मिल गया है। तो मैं फ्रेंड्स इस तरह से मेरा गार्डनिंग का काम रात में भी चलता है। मैं कटिंग्स लगाती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, लेकिन हमेशा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। और देखिए एंजॉय पोथोस के जो अभी भी मैं एक प्लांट दिखाई उसमें ये वाला प्लांट था, ये सिंगुनियम के प्लांट, तो उसको मैंने अब हटा दिया। और दो तीन कटिंग्स भी एंजॉय पोथोस के मैंने यहाँ पर रखा है और ये जगह को अब मुझे क्लीन करना है। और ये सारे जो कटिंग्स हैं मैं लगाऊंगी बारिश रुकेगी तो, और बारिश अगर नहीं रुकती है तो रात में मुझसे नहीं पॉसिबल होता, तो मैं सुबह कटिंग्स को मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से जब हम कटिंग्स को लेते हैं लगाने के लिए और तब नहीं लगा पाते तो पानी में छोड़ सकते हैं, कटिंग्स ठीक रहता है। और मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि मेरे जो भी बालकनी में हैंगिंग प्लांटर्स हैं इसमें होल है या नहीं, तो मेरे सारे प्लांटर में फ्रेंड्स होल है, ठीक है, होल होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे मैंने सोचा कि ये वीडियो आपसे मैं शेयर करूं। हमेशा तो रात का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाती जो भी मैं काम करती हूं, क्योंकि अच्छे से लाइट्स नहीं होती है तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने में, लेकिन ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं बनाई। तो ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।